तो हेलो गाइस, बकी अनमा सीजन 2 एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोकुगावा को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वह प्राइम मिनिस्टर तोकुगावा का हालचाल पूछने को आते हैं, जिसके बाद डॉक्टर तोकुगावा को कहते हैं, अच्छा है आप जल्दी आ गए, अगर आपने और वेट किया होता तो आपकी जान को खतरा होता, तो अभी बस आप यहाँ पे आराम कीजिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी क्लब को देखते हैं जहाँ पे रेस्सू होता है, एंड वहीं पे हम एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम अकियो मानी होता है। वो वेलवेट चैंपियन होता है। वही मीडिया उससे पूछती है, सर आपने 14 फाइटर्स को अपने एक ही मुक्के से हरा दिया, आपने ऐसा कैसे किया? तो अकियो कहता है, 14 फाइटर्स ये तो मेरे लिए बस एक नंबर है, मुझे तो जो रिंग में दिखता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितना ताकतवर इंसान है, मुझे बस मेरे मुक्के में भरोसा है कि मैं उसे अपने एक ही पंच से खत्म कर दूंगा। ये सुन के मीडिया बहुत ही खुश हो जाती है और अकियो का फोटो लेने लगती है, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अकियो अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। मगर तभी उसकी नजर वो पंचिंग बैग पे जाती है, तो वो अपने कोच से पूछता है, उस बैग का ऐसा हाल किसने किया? तो कोच बताते हैं, कल ही एक पर्सन ने इस जिम को ज्वाइन किया है और उसी ने इस बैग का ऐसा हाल किया है। ये सुन के अकियो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, अभी वो किधर है? तो कोच बताते हैं, वो देखो वो वहाँ पे खड़ा है। अकियो जब रेस्सू की स्ट्रेंथ को देखता है तो वो अपने कोच से कहता है, कोच मैं उससे एक फाइट लड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद कोच रेस्सू के पास जाता है और रेस्सू से कहता है, रेस्सू तुम्हें एक फाइट लड़नी है? तो रेस्सू कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए किसके साथ? कोच बताता है, वो देखो उस फाइटर के साथ तुम्हें फाइट लड़नी है। ये सुन के रेस्सू कहता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता, अगर मैंने उसके साथ लड़ाई की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। शायद से मुझे लग रहा है कि आप लोग इस कुंफू को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये 4000 साल पुराना कुंफू बहुत ही खतरनाक है। तो रेस्सू की ये बात सुन के अकियो कहता है, ओए शायद से तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, जल्दी से रिंग में आ और मुझसे लड़ाई कर, मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ। अकियो की यह बात सुन के रेस्सू रिंग के अंदर आ जाता है और उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें ज्यादा चोट ना पहुँचाऊँ। तो यह सुन के अकियो अपने बंदों से कहता है, ओए जल्दी से उसे ग्लव्स पहनाओ। जिसके बाद रेस्सू अपने ग्लव्स पहनने के बाद कोच को कहता है, कोच मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कुंफू और बॉक्सिंग अलग नहीं है, वो दोनों एक जैसे हैं। फिर रेस्सू अपने फाइटिंग मूव के साथ रेडी हो जाता है, तो उसे देख के कोच कहता है, बहुत बढ़िया, इसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया है, इसकी ब्रीथिंग, इसने अपने पूरी बॉडी को अपने फुल कंट्रोल में रखा है। अब आगे हम देखते हैं कि अकियो रेस्सू पे अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले रेस्सू उसे एक जोरदार पंच लगा के नॉकआउट कर देता है। ये देख के सारे फाइटर्स अकियो को देखने को आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अकियो को होश आ जाता है, जहाँ पे अकियो अपने कोच से कहता है, मुझे तो उसका मुक्का दिखाई नहीं दिया। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं और वही हम रेस्सू को देखते हैं जो अभी भी उस दीवार के पास खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी कोच रेस्सू के पास आते हैं और उससे कहते हैं, ओए मुझे बताओ तुम दिन भर ये क्या करते रहते हो? तुम यहाँ पे बॉक्सिंग करने आए हो ना, तो तुम बॉक्सिंग क्या करो? तो ये सुन के रेस्सू कहता है, अगर मैं बॉक्सिंग ही करता तो क्या मैं इसे हरा पाता? तो चलिए मैं एक ऑफर रखता हूँ, आप मेरे लिए एक ऐसा फाइटर लाइए जो मुझे टक्कर दे सके, अगर उसने मुझे लड़ाई में हरा दिया तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जिसके बाद वहाँ पे अकियो आता है जो रेस्सू से कहता है, हाँ तुम सही हो, जब तक हमें हमारे टक्कर का अपोनेंट नहीं मिल जाता तब तक हमें लड़ाई में मजा नहीं आता। तो कोच मेरे नजरों में एक फाइटर है, अगर आप चाहे तो मैं उसे यहाँ पे बुला सकता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ ना कि कुंफू ज्यादा ताकतवर है या फिर बॉक्सिंग। इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम बाकी को देखते हैं जो सिनसिन काई के नीचे खड़ा होता है, और वही हम सिनसिन काई के अंदर कासुमी को देखते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वही वो सोच रहा होता है, तुम फिक्र मत करो कि तुम्हारा एक हाथ जा चुका है, तुम ये समझो कि तुम्हें वरदान मिला है एक हाथ से लड़ने का, और तुम अभी इससे क्या कर सकते हो। फिर कासुमी अपनी सबसे खतरनाक वाली टेक्निक को यूज करके उस पॉलिथीन को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पॉलिथीन को एक किक मार के दूर फेंक देता है। मगर तभी हम वहाँ पे बाकी को देखते हैं जो उस पॉलिथीन को कंट्रोल कर रहा होता है, फिर वो उस पॉलिथीन को कासुमी की ओर किक करता है एंड कासुमी उसे रोक देता है। इसके बाद कासुमी कहता है, कमरे के तो सारे दरवाजे बंद है, इसका मतलब तुम खिड़की से अंदर आए हो। तो बाकी कहता है, हाँ
नौ माले चढ़ने में मुझे बहुत ही मुश्किल हुई। वही कासुमी कहता है, बाकी तुम बहुत ही बढ़िया हो, तो मुझे बताओ कि अब तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तो बाकी कहता है, कासुमी तुम्हारे साथ अभी अभी एक हादसा हुआ है, लेकिन तुमने उसके बाद भी अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर दी। जहाँ पे कासुमी कहता है, हाँ और मैं कर भी क्या सकता था, बेड पे थोड़ी ना पड़ा रहता, मेरे साथ अभी जो होना था वो हो गया, और अभी जो मेरे पास आगे की जिंदगी है मुझे उस पे क्या करना है उस पे ध्यान देना है। मैं इसी हाथ से अपना सब कुछ कर सकता हूँ या नहीं, ये मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम्हारे डैड के बाद सारी जिम्मेदारी तुम पे आने वाली है। फिर कासुमी कहता है, अरे हाँ हाल ही में मैंने एक बात सुनी है कि एक बेटा अपने बाप से लड़ने वाला है, तो मुझे बताओ ये बात सच है क्या नहीं। पर तभी जो पन्नी होती है वो बाकी के चेहरे पे लग जाती है। बाकी उसे हटाते हुए कहता है, हाँ ये बात सही है, एक बेटा अपने बाप से लड़ना चाहता है, वो किसी तरीके का बदला अपने बाप से लेना चाहता है। ये सुन के कासुमी कहता है, लगता है इस लड़ाई में बहुत ही मजा आएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।